अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, परसुएसिवनेस किस तरह से बिल्ड की जाती है अपने आर्गुमेंट्स के अंदर, और अक्सर आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं जिसमें आपको परसुएसिवनेस पे फोकस करना पड़ता है। अब ये होती क्या है, परसुएड करना होता है एग्जामिनर को, कन्विंस कर लेना अपनी बात पे, और आपके पास कोई करंट अफेयर के फैक्ट्स भी ना हो फिर परसुएड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स डेस्टिनी ऑफ नेशन। अब मैंने कह दिया एजुकेशन डेस्टिनी ऑफ नेशन ट्रांसफॉर्म करती है, किस तरह से मैं किस तरह से परसुएड करूँगा, मैं आपको रीज़न दूँगा। मैं कहूँगा एजुकेशन बिल्ड्स करैक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये रीज़न है, करैक्टर बिल्डिंग एसेंशियल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन। अब करैक्टर बिल्डिंग को मैंने लिंक कर दिया प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन से। अब जो मैंने पहला आर्गुमेंट बोला था कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स डेस्टिनी ऑफ नेशन, तो अब उसकी रीज़न मैंने दी क्यों, क्योंकि एजुकेशन जो सी है अल्टीमेटली बिल्ड्स करैक्टर, और करैक्टर बिल्डिंग इज नेसेसरी फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो मैं लिंक कर रहा हूँ अपने जो मेन आइडिया है उसको रीज़न के साथ लिंक कर रहा हूँ कि मैंने क्यों ये बात की। मैंने रीज़न दी अपने उस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए। अब रीज़न के बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा, कोई भी नेशन जिसकी करैक्टर बिल्डिंग हुई हो, रोमन ग्रीक मुस्लिम्स, एजुकेशन से आप उसके नीचे एग्जाम्पल अटैच करें और फिर अपना ओपिनियन दें कि आपके ख्याल में एजुकेशन किस तरह से करती है। ये आप परसुएसिवनेस बिल्ड कर रहे हैं, और इन किस्म इस किस्म के आर्गूमेंट्स को आप कहेंगे कि आप एग्जामिनर को परसुएसिव आर्गूमेंटेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ये ऐसे में और पैराग्राफ में बड़ा इफेक्टिव होता है। तो लर्न हाउ टू परसुएड द एग्जामिनर। थैंक यू।